अब आपको देखे पता चल गए वेद वन, यानी वेद जो हमारे वेद थे हमारी संस्कृति में जो वेद हैं उनका वन है। और इसमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, तो चले आज देखते हैं यहाँ का भी हम पार्क के साथ में चारों तरफ मेरी नजर जा रही है, एकदम बिल्डिंग पे नजर जा रही है। बिल्डिंग के सामने नहीं अभी उजाला ठीक है, तो इससे क्या है बहुत अच्छा यहाँ पे कैच हो रहा है। तो उधर लगा थोड़ा पैदल वॉक कर सकते हैं, ना हमें साइकिल की यहाँ पे एंट्री है और ना ही हमारे स्केट्स बोर्ड जो होते हैं वो। वेद जो लिखे थे वो अगस्त ऋषि ने लिखे थे और यहाँ पे एंट्री यहीं से है। आओ देखते हैं, ये गुरुकुल है, गुरुकुल हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली है जहाँ सभी को एक साथ निःशुल्क व समान शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल पूर्णतः आवासीय शिक्षा प्रदान करने का एकांत स्थान होता था जहां बालक गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या प्राप्त करते थे। विद्यार्थी गुरु के निर्देशों का पूर्णतः पालन करते थे, अपनी दिनचर्या के सभी कार्य स्वयं करते थे, अपने उपयोग की सामग्री का निर्माण स्वयं करते थे, अपने अपने उपयोग की अपने खाने की व्यवस्था स्वयं खेती या शिक्षा से करते थे। विक्षतन गुरुकुल में सामाजिक धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ कला साहित्य दर्शन और व्यवहारिक हुनर भी सिखाए जाते थे। गुरुकुल में यज्ञ हवन मंत्रोच्चारण आदि चलते रहते थे क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि के लिए स्वास्थ्य और पृथ्वी के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए और ये गुरुकुल दिखाया गया यहाँ पे, ये शिष्य हैं, यानी गुरुकुल वो जगह जहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, जैसे आजकल स्कूल कॉलेज है इसी प्रकार से पहले गुरुकुल हुआ करते थे। और यहाँ पर इनको मतलब शिक्षा दी जाती, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखें आगे क्या है। तो चलो ये बहुत अच्छा लगा पोर्शन इसमें।